नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है विजय दी वेडिंग और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजय दी वेडिंग अनुवाद विजय की शादी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। इसे आंशु सिद्धा द्वारा निर्देशित किया गया है और इसमें पुलकित सम्राट, कृति संगवंदा और जिमी सर्गिल में अभिनय किया था। पुलकित सम्राट अरोड़ा, विजय गिल पल्ला के रूप में कृति खरबंदा, बल्ली अरोड़ा के रूप में जिमी सर्गिल, गोपा भल्ला के रूप में सतीश कौशिक, योगिता चौधरी सब इंस्पेक्टर रानी चौधरी के रूप में रिंकी बेहरा के रूप में घायल राजपूत, जूही रूप में भूजिका कार्तिक, हरिया के रूप में प्रियंका नयन, निर्देशन कुमार बड़े भाभूजी के रूप में उपना चौधरी, आइटम्स नंबर चटका नाव ताव के रूप में, गीत संगीत फिल्म के संगीत गीत प्रदर्शन फरजाद फैज, जयदेव कुमार और अशोक पंजाबी ने किया है जबकि गीत कुमार फैज, अनवर, चंदन बख्शी, दीपक नूर और डॉक्टर देवेंद्र काफिर, रामकेश जीवन पुरवाला, अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा अंकित, फिल्म ने गीत लिखाए गए गाने मीका सिंह, अनोधी चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शन, कक्कर, दीप मणि, राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 15 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के विजय दी वेडिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी विजय और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कोई गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक वीर पुलकित सम्राट के आय का गीत कृति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मूलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुँचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसके दी दिल्ली जिमी सर्गिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने के काम करते हैं। अगर असम ने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहाँ है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। विजय की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उगारने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की
होंगे और वह पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि कीर्ति खरबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी कितनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सर्गिल, नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने लगे हैं। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हैंकती फिल्म है। युवटिका की इस कॉमेडी का छोड़ दे क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि क्या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कथालिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देता चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने के इच्छुक है उसे खरीद लेता है जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा के अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले पति रविशंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालते हुए सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोबंद मिला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। मेहनगर में रहने वाले लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में जा से विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था लेकिन बाकी लोग गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उसे पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरबतर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप कहे कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गाड़ दिया और अपने बेटे का बदल दिया जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है। फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कोई बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संग्रहालय से देखता है। उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते जुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपना भूखंड सौंपते जहां वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम
थुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं, और जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिन को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनसे प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं, जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं, मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहाँ एपिसोड एपिसोड की ओर ले जाती है। इला के अलावा कई और नहीं है, वो स्वयं माँ के रूप में आकर्षित कर देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है, जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगार के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है, साहसिक समीक्षा द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया जाता है। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधि वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर, रामकेश जीवन पुरवाला, अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा, चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनुधि चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शनी, कक्कर, दीप मणि, राजेंद्र अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चुनी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के वीरधी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं, कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं, भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरपुल की सम्राट के आई का गीत प्रीति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है, जबकि कैमरा के में शिकार और सचिन ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मूलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुँचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। दी दिल्ली जिमी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की ही डालने के काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशानी पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खेलता है, या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छला है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की
उनकी कहानी महत्वता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई, उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की होंगे और वह पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि कीर्ति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है, उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सर्गिल, नतीशा कौशिक और निर्विका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है, दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने लगे है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हैंकी फिल्म है कि इस कॉमेडी का छोड़ दे। इनके निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी में लोग अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास, जो सेशन के पास एक घर लेने की इच्छुक है, उसे खरीद लेता है। जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसिद्ध रवि शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। मैं सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है, जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोब मिला रहती है, जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोह वापस भेजती है। मेहनगर में रहने वाले लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है, क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं, जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं, जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए वह हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग गए, लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरस तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वह उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीफ कहे कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गार दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस घर को छोड़ सकती है, फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे, और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कोई बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है, जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपने पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संग्रहालय देखता है। उसके पति
विशल है। जब वो जहाँ रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत विधों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहाँ वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम हुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी उनसे प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की मां का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है जहाँ एपिसोड एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है, वो स्वयं माँ के रूप में उन्हें आकर्षित देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगढ़ के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुरवाला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा अंकित है। फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनुधि चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शनी, कक्कर, दीपमणि भराजे अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड बिलोंग का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के वीरति बोर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनियाभर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी वीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कोई गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक वीर पुलकित सम्राट के आये का गीत प्रीति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और सची छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मुनन तन लड़की और लड़का डांटती पहुँचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दे जाती। इस इसकी दी दिल्ली जिम्मी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है।
भाईया यह गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। विजय की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान अकेले को नहीं महसूस किया होगा, संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्वदेता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई, उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा की कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट को कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगामे में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है, जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का सकता है। जहां तक जिमी सर्गिल, नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है, दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हंगती फिल्म है। युवतिका की इस कॉमेडी का छोड़ दे, इनकी निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि क्या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने की इच्छुक है उसे खरीद लेता है, जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसी रवि शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है, जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भल भूतल पर भोलोब मिल जा रहती है, जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोह वापस भेजती है। मेहनगर में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है, क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम चोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं, जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरबतर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गाड़ दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो महसूस घर को छोड़ सकती है। फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है
उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहाँ जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय शंकर देखता है, उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहाँ वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम हुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है जहाँ एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कहीं और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में आकर्षित कर देता है लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगर के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा मानने के लिए सिद्ध किया जाता है। प्रेम के साथ उनके अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुराला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा चित्ते फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह अनुधी चौहान राज सिंह सोलोना चक्कर मोहित प्रदर्शन कक्कर दीप मणि राजे अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था होने वाली फिल्म द्वारा। दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के विरोधी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी के मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरपुल की सम्राट के आय का गीत कृति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मूलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड लेक्सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसके दिल्ली जिम्मी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने
परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के के करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है। या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छहरा है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान खिले को महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की सक्षम होने की आशा की कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगे और में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का सकता है। जहां तक जिमी सर्गिल, नतीशा कौशिक और निर्विका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है, दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने लगे है। वीर की वेडिंग एक लाउड और कहकर हैंगती फिल्म है। युविका की इस कॉमेडी का छोड़ दे, क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है ये इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने के इच्छुक है उसे खरीद लेता है, जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसी रविशंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोब मिला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। मेहनगर में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहा है। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था लेकिन बाकी लोग गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरबतर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में घर दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है
फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहाँ चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कोई बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहाँ जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संगाल है। देखता है उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मिलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहां वो स्वतंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम हुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनपे प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है जहाँ एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में वह आकर्षित कर देता है लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगर के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा मानने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनके अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधि वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुरवाला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह अनोधी चौहान धनराज सिंह सोलोना चक्कर मीत प्रदर्शनी कक्कर दीप मणि राजे अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के बीरदी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंडट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कोई गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों ने भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को इर्द गिर्द घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक वीर पुलकित सम्राट के आई का गीत कृति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और सची चटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मुनन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड मलेशा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसके दी दिल्ली जिम्मी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते बिल्ली
प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है। या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कुराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्वदेता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट को कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगामे में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सर्गिल, नतीशा कौशिक और जीविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हैंगती फिल्म है। युविका की इस कॉमेडी का छोड़ दे क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि क्या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने की हिंसुक है उसे खरीद लेता है। जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसिद्ध रमी शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। में सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोब मिला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। मानगर में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में लाश है। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए गहीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डिक्योती में साथ था लेकिन बाकी लोग वहाँ गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरस तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वह उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया और उसने पुलिस को अपनी बेटी के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गाड़ दिया और
अपने बेटे का बदल दिया जब वो इस घर को छोड़ सकती है। फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति ताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संगाल के देखता है। उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहां वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम भुकले ही उसके पिता वहाँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है जहाँ एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में उन्हें आकर्षित देता है लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगार के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया जाता है। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुगरवाला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा अंकित है। फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह अनुधि चौहान राज सिंह सोलोना चक्कर मोहित प्रदर्श नेह कक्कर दीप मणि राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे सुधीर चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के वीरदी बोर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों ने भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांति प्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरपुल की सम्राट के आगे का गीत प्रीति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और सची चटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मुनन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड लेक्सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को
कई झलक नहीं दी जाती। इसरो के दिल्ली जिमी सर्गिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित करा देते। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर असम ने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की। फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के के करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है। या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले। अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को नहीं महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक खोजा उबारने की और चम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की होंगे और वह पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है। जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सर्गिल नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर एंटी फिल्म है। यूटी का उनकी इस कॉमेडी का छोड़ दे क्योंकि नेताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि क्या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देता चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने की इच्छुक है उसे खरीद लेता है जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले पति रविशंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोब मिल जा रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोह वापस भेजती है। मानगर में रहने वाले लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम चोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माथे के और उसके लिए वो हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटे डकैती में साथ था लेकिन बाकी लोग गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने पर से तर होकर उसे घुटने लगाता है। फैली
फ्लोरी ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि बिलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाइव चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में उतार दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है, फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संग्रहालय के देखता है। उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत विधों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहां वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम रुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है जहाँ एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में उन्हें आकर्षित देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगार के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा मानने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुरवाला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह अनुधि चौहान राज सिंह सोलोना चक्कर मोहित प्रदर्श नेहा कक्कर दीप मणि राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 2 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के वीरदी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कोई गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहते हैं। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांति प्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते ही इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक वीर पुलकित सम्राट के आई का गीत कृति सरबंदा
को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है, जबकि कैमरा के में शिकार और छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मूलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसो के दी दिल्ली जिमी सर्गिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की ही डालने के काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशानी पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए ने लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है, या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छला है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान खिले को नहीं महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले फ्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की सक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगे वर्ग में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है, जबकि कृति खरबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी इतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का सकता है। जहां तक जिमी सर्गिल नितिशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है, दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वेडिंग एक लाउड और कहकर हैंगती फिल्म है। युविका की इस कॉमेडी का छोड़ दे, क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि गाइस अपने जोखिम देखे। 4531 5000 रिजल्ट ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कथालिक विधवा स्टोरी में लोग अपने घर का हिस्सा देता चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने की हिंसुक है उसे खरीद लेता है, जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति के से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले पसी रवि शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भल भूतल पर भोलोपम लीला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। मानगढ़ में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम चोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में जा से विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए
वह हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उसके पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरबतर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में घर दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है, फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे, और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा, और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कोई बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संकाल है। देखता है उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि वितर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मिलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत विधों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहाँ वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम भुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं, और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं, जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं, मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की मां का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहाँ एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में उन्हें आकर्षित देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगा के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा मानने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनके अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर, रामकेश जीवन पुरवाला, अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा। चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनोधी चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्श, नेहा कक्कर, दीप मणि, ब्राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के विरोधी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंडट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की
रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं। कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और अपनी बेटी के मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति दे देते हैं, इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म उन प्रेमियों को इर्द गिर्द घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरबल की सम्राट के आगे का गीत कृति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है, जबकि कैमरा के में शिकार और शशि चटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मनन तन लड़की और लड़का टांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाते हैं। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड लेक्सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इस हिस्सों के दिल्ली जिमी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने के काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है, या यह गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले, अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा की कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की होंगे और वह पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है, जबकि कृति खरबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सरगिल, नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है, दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने लगे है। वीर की वेडिंग एक लाउड और कहकर हैंगती फिल्म है। युवतिका की इस कॉमेडी का छोड़ दे, क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी में लोग अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने की हिंसुक है उसे खरीद लेता है, जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसिद्ध रविशंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। मैं सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोबम मिला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोह वापस भेजती है। मानगर में रहने वाले लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम
फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं, जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं, जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए वो हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटे डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग गए, लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उसके पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तर तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया कि वह उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी रीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में घर दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस घर को छोड़ सकती है, फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे, और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा, और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है, जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय श्रृंगार है। देखता है उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत विधों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहां वो तंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम हुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं, और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं, जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं, मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि प्रेमी पकड़े जाते उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की मां का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहां एपिसोड की ओर ले जाती है। इला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में वह आकर्षित कर देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है, जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगार के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा, जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनके अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर रामकेश जीवन पुरवाला अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनुधि चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शनी हक्कर, दीप मणि, राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला
ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। रिलीज होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे सुधीर चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के विरोधी वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांति प्रिय व्यक्ति है और अपनी बेटी की मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते ही इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक वीर पुलकित सम्राट के आय का गीत प्रीति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और छोटी छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मुलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड लिंक्सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसके दी दिल्ली जिम्मी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित करा दे बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले अगर इसमें हंसी छहरा है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान लेखकों ने महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक खुजा उबारने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट को कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगे और में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सरगिल नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हंगती फिल्म है। युवतिका की इस कॉमेडी का छोड़ दे इनकी नेताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि क्या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देता चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो स्टेशन के पास एक घर लेने के हिंसुक है उसे खरीद लेता है जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसिद्ध रवि शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। में सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भल भूतल पर
भोलोभव मिल्ला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोह वापस भेजती है। नयनगर में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है, क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं, जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताती है, जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए गहरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग गए, लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरस तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ ने खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी लीले रॉय चाय चीप है कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में घर दिया और अपने बेटे का बदल दिया। जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है, फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे, और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा, और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संग्रहालय के देखता है, उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहां वो स्वतंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम हुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं, और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं, और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं, जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं, मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहां एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है। वो स्वयं माँ के रूप में उन्हें आकर्षित कर देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हील चेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है, जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगर के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा, जो शानदार है।
लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनके अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर, रामकेश जीवन पुराला, अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा। चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनोधी चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शन, कक्कर, दीप मणि, राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइल्ड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के वीरती बोर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों ने भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं और अपनी बेटी के मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरपुल की सम्राट के आई का गीत कृति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और सची चटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मुनन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाती है। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसके दी दिल्ली जिमी सरगिल एक 65 व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते दिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशान पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है या ये गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले अगर इसमें हंसी छरा है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान खेले को नहीं महसूस किया होगा संघर्ष के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की हंगे और में पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है जबकि कृति करबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सरगिल, नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत वितरक काम करते हैं। इस बीच संगीत और गाने पैतल भूलने योग्य है। वीर की वेडिंग एक लाउड और कहकर हैंकी फिल्म है। युवतिका की इस कॉमेडी का छोड़ दे क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है कि ऐसे अपने जोखिम देखे
4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी में लोग अपने घर का हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो सेशन के पास एक घर लेने के इच्छुक है उसे खरीद लेता है, जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए प्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले पति रविशंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालते हुए सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है, जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोग मिला रहती है, जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। मानगर में रहने वाले लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है, क्योंकि उसने कई सहस्य छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं, जो मुंबई में आवास की तलाश में जा रहे हैं। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं, जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए वह हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था, लेकिन बाकी लोग गए, लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया, और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया। लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा, क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी लीले रॉय चाय चीप कहे कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने उसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गाड़ दिया और अपने बेटे का बदल दिया, जब वो महसूस घर को छोड़ सकती है। फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे, और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा, और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कहीं बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है, जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है, क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय संगाल है। देखता है उसका पति विशल है। जब वो जहाँ रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहाँ वो स्वतंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम भुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं, और जो एक मुस्लिम परिवार से हैं, और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी में प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं, जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं, मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है, जबकि प्रेमी पकड़े जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं, और मालिनी की मां का उनके साथ एक तरफा संबंध था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहां एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं है, वो स्वयं माँ के रूप में
उन्हें आकर्षित कर देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगार के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा मानने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधि वास्तविकताओं को मोड़ती है। देवेंद्र काफिर, रामकेश जीवन पुरवाला, अशोक पंजाबी ने लिखे। फिल्म का पार्श्व संगीत संजय चौधरी द्वारा चित्र फिल्म ने गीत दिखाए गए गाने मीका सिंह, अनुधि चौहान, राज सिंह, सोलोना चक्कर, मोहित प्रदर्शनी, कक्कर, दीप मणि, राजेद अली और आकांक्षा भंडारी ने गए हैं। फिल्म साइड ब्लॉक का पहला ट्रैक जिसे मीका सिंह ने गाया है 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। होने वाली फिल्म द्वारा दूसरा गाना हट दाऊद था जिसे चौधरी चौहान ने गाया है और फिर 9 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। तीसरी गाना फिल्म के विरति वर्डिंग टाइटल ट्रैक जिसे नवराज सिंह हंस ने सोलोनी टक्कर ने गाया था 21 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था और इसकी दुनिया भर में 2018 में साउंड ट्रैक 27 फरवरी 2018 को टी सीरीज द्वारा जारी किया गया था। कहानी भीरे और दिल्ली का लौंडा है जिसे दिल्ली की कुड़ी गीत से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है। बात बिगड़ जाती है और जब वो मीट की रेटिंग्स पर यात्रा करते हैं कुछ बदमाशों में भीड़ जाते हैं और एक होटल में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। गीत के पिता एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और अपनी बेटी के मारछाड़ करने वाले लड़के से शादी करने की अनुमति देते हैं इनकार करते हैं भले ही उसके पास सोने का दिल हो। समीक्षा दिल्ली की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म उन प्रेमियों को ईद गीत घूमती है जो फिल्म की पूरी अवधि अपने माता पिता आशीर्वाद से शादी करने में लग देता है। नायक बीरपुल की सम्राट के आये का गीत प्रीति सरबंदा को पेश करने की तकनीक 1990 के दशक की है जबकि कैमरा के में शिकार और छोटी ध्यान केंद्रित करता है। गीत के मामले में वो उससे पीछे के उसके छाती पर जाता है और उन्मूलन तन लड़की और लड़का डांटती पहुंचते हुए इंग्लिश गीत के साथ एक गीत में टूट जाते हैं। अनदेखा कर देता बंदा बड़ा माइंड सा आगे बढ़ते हुए फिल्म के फर्स्ट हाफ में पटकथा को कई झलक नहीं दी जाती। इसकी दिल्ली जिमी सरगिल एक 65 वर्षीय व्यक्ति और वीर के चचेरे भाई से भी परिचित कराते हैं। बिल्ली प्यार में बदकिस्मत रहा है और हमेशा के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। वो गीत के पिता सतीश कौशिक को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं और अपने परिणाम भुगतने की धमकी देकर आगे की घी डालने की काम करते हैं। अगर सामने वीर को गीत की मिलने की परेशानी पैदा की फिल्म की पसंदीदा की बात करें तो ऐसा लगता है कि हल्के शादी में कहा है तो उन्हें चलते हुए लिखा है। इसका नमूना वीर की पिता अपने बेटी की उपलब्धियों को वर्णन करते हुए उसकी तुलना दूसरे लड़के की करते हुए कहते हैं कि वो गुल खिलाता है लेकिन वीर तो बगीचा खिलता है। या यह गीत के पिता मजाकिया हड्डी की गुदगुदाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि ना नदी ना भले बल्ले बल्ले अगर इसमें हंसी छाया है ये तक कि ये मुस्कराहट भी तो है। वीरे की वेडिंग एक कॉमेडी है। फिल्म के निर्माण के दौरान फिल्म को महसूस किया होगा घुंगर्स के रूप में अकेले माता पिता विरोध की उनकी कहानी महत्व देता के लिए पर्याप्त नहीं है इसीलिए वे गीत के लिए एक नए प्रेमी के साथ विवाद का एक और बिंदु पेश करते हैं। एक फिल्म जो पहले प्रेम से ही पटरी से उतर गई उसके पास किसी भी बिंदु पर कथानक को उजागरने की अक्षम होने की आशा के कारण भी नहीं है। विशेष रूप से उसके दूसरे भाग में पुलकित सम्राट कुछ समय से फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सलमान खान की होंगे और वह पीड़ित है और ये अभिनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी कमी है जबकि कृति खरबंदा ने कितनी बार दुल्हन की भूमिका निभाई है उसकी गीतनी खोद गई है। इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ सुंदर देखने और बेवकूफ़ी करने का आवश्यकता है। जहां तक जिमी सरगिल, नतीशा कौशिक और निविका चौधरी सहित फिल्म के बाकी कलाकारों की बात है तो ऐसा लगता है कि वे नींद में चल रहे हैं। सेट का डिजाइन सीधे डेली शॉप में अलग है। दूसरे विचारों पर वे बहुत भीतर काम करते हैं। इस बीच संगीत और
गाने पैतल फूले जागे है। वीर की वर्डिंग एक लाउड और कहकर हैंक की फिल्म है। इस कॉमेडी का छोड़ दे क्योंकि निर्माताओं ने इस फिल्म में हर कदम पर लगती है ये या इसे अपने जोखिम देखे। 4531 5000 ट्रांसलेशन रिजल्ट मायनगर मुंबई में एक 3 मंजिल चौल है। एक कैथोलिक विधवा स्टोरी मिडोक अपने घर का हिस्सा देता चाहते हैं लेकिन इसका ऊंची कीमत के कारण उसके पास कई खरीदार नहीं है। अंत में विलास जो सेशन के पास एक घर लेने की हिंसुक है उसे खरीद लेता है जबकि उसी बिल्डिंग में वर्षा की अपने परियोजगार और शराबी पति से एक नए का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वो अभी भी अपने पिछले प्रसिद्ध रवि शंकर के लिए भावनाएं रखती है और अपनी पड़ोसी के साथ अच्छी तरह से बंध बन जाती है। अपने छोटे बेटे को पालती है। मैं सहेली और मालिनी अलग अलग धर्मों से होने के कारण प्यार में पड़ जाती है जो इसके उनके माता पिता चिर जाते हैं। भूतल पर भोलोब मिला रहती है जो आसपास के पुरुषों के प्रति मोहक वापस भेजती है। महानगर में रहने वाली लोगों की जीवन पैसा नहीं लगता जैसा वो है क्योंकि उसने कई सहस छिपे हुए हैं। अंत में ये पता चलता है कि लीला वास्तव में तीनों कहानियों के लेखक थे। पहले भाग में हम फ्लोरी को संभावित खरीदार विलास से मिलते हुए देखते हैं जो मुंबई में आवास की तलाश में लाश है। विलास अपने द्वारा वसूले आए अत्यधिक मूल्यों के अनुसार ज़्यादा परेशान नहीं होता है। बाद में वो उनके लिए चाय बनाने आनंद चली जाती है। विलास कुछ पारिवारिक तस्वीरें देखता है और आगे पूछता है। वो उसे अपने बेटे के बारे में बताते हैं जिसे चोरी करने की आदत थी और वो चौल के अन्य सदस्यों और उनके पिता से उसका बचाव करती है। समय बीतता है और एक दिन चौल में एक शादी के समारोह में वो अपने बेटे को लुहान लाते माते के और उसके लिए वो हीरे के और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। पुलिस को खोजने के भी कुछ नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उस रात उसके बेटी डकैती में साथ था लेकिन बाकी लोग गए लेकिन वो पकड़ गए। कहानी सुनते सुनते विलास बेचैन हो जाते हैं और उस पास चाय में शक्कर डालकर पसीने से तरस तर होकर उसे घुटने लगाता है। फ्लोरी ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया कि वो उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला जो भाग गया और उसने पुलिस को अपने बेटे के ठिकाने पर में बताया लेकिन मुझे पता था कि वो उन हीरो के लेने आएगा क्योंकि इस छोटे से घर के लिए इतनी बड़ी रकम कौन देगा। इस चाल में ये पता चलता है कि विलास धोखेबाज है और इतनी लीले रॉय चाय चीप कहे कि वो मर जाता है। फ्लोरी ने इसे अपने घर के फर्दा की चटाई में गार दिया और अपने बेटे का बदल दिया जब वो इस महसूस घर को छोड़ सकती है। फिर हम उस महिला के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे उसके पति प्रताड़ित किया गया है। हम शादी में पहले उसके जीवन को देखकर जहां वर्षा और शंकर प्यार में थे और एक दिन अपने माता पिता को मजबूर करने के बाद वो उसे प्रपोज करने के लिए कहती है। उसके पिता उससे कहती है कि अगर वो नहीं आया तो वो जहां चाहे उसके शादी कर लेगा और फिर वो प्यार का परिवार के नाम पर कई बहाना नहीं सुनेगा। इस दिन शंकर नहीं आता है। उसके अपने पड़ोसी के साथ बहुत सुंदर संबंध है जो सबसे सहानुभूति रखता है। वो उसे रात के खाने पर आमंत्रित करता है क्योंकि उसका पति आ रहा है। वो शंकर को अपनी पति के रूप में देखने के लिए वहां जाती है। वे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और शंकर देखता है कि उसका पति कितना उदयनीय शंकर है। देखता है उसका पति विशल है। जब वो जा रहा होता है तो वो केवल जानती है कि तर्क स्पष्ट करने के लिए शंकर ने उसके मिलते मुलजुलते नामों से मिलने के लिए गलत पितों को समझा और अपराध बोध के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी वर्षा को अपने भूखंड सौंपते जहाँ वो स्वतंत्रता के जीवन की शुरुआत करने के लिए बैठ जाती है। फिर हम भुकले ही उसके पिता माँ और कई बहनों के साथ देखते हैं और ये जो एक मुस्लिम परिवार से हैं और मालिनी को एक बहुत ही दयनीय माँ की इकलौता बेटी इनमें प्यार हो जाता है और भागने की फैसला करते हैं जो वे सफलतापूर्वक करते हैं। जब वे दूर होते हैं मालिनी की माँ सुदेल के घर पहुँचते हैं और मदद मांगती है। हमें दिखाता है कि सुदेल के पिता का इसके साथ घनिष्ठ संबंध है जबकि प्रेमी पकड़े जाते उन्हें बताया जाता है कि सुहेल और मालिनी एक ही पिता के बच्चे हैं और मालिनी की माँ का उनके साथ एक तरफा संबंध था लेकिन उसे पीछे
हटना पड़ा क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम महिला के साथ हुई। ये उन्हें कोर्ट तक तोड़ देता है। इस प्रेम की गई कहानी के रहस्य और आश्चर्य का तत्व भरा हुआ है, जहाँ एपिसोड एपिसोड की ओर ले जाती है। लीला के अलावा कई और नहीं, वो स्वयं माँ के रूप में वह आकर्षित कर देता है, लेकिन माया तब समाप्त हो जाती है जब हमें एक व्हीलचेयर पर बैठी एक साधारण लीला दिखाई देती है, जिसमें एक अखबार पकड़ा जाता है जिसमें शीर्षक होती है कि एक गुमनाम लेखक के मायनगर के लोगों के बारे में एक सुंदर कहानी लिखा है साहसिक समीक्षाओं द्वारा जो शानदार है। लीला तब हमें उस वास्तविकता को दिखाती है जिसे उसकी एक काल्पनिक कथा घुमाने के लिए सिद्ध किया गया था। प्रेम के साथ उनकी अंतरंग के साथ साथ मानव की अरोधी वास्तविकताओं को मोड़ती है।